हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं, यानी ये दो टाइप की वैक्सीन है, इसका क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। यानी दोस्तों अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हमारे कंट्री के अंदर टू टाइप की वैक्सीन काम कर रही, फर्स्ट कोवैक्सीन, सेकंड कोविशील्ड। यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे यहाँ अवेलेबल है, कोविशील्ड को ही हम एस्ट्राजेनेका भी बोलते हैं। यानी दोस्तों यहाँ से अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मुझे वैक्सीन के लिए जाना हो, यानी मुझे फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की दे दी जाए, तो क्या सेकंड डोज मैं कोविशील्ड की ले सकता हूँ, या फिर कोविशील्ड की मुझे फर्स्ट डोज दे दी जाए तो क्या मैं कोवैक्सीन की सेकंड डोज ले सकता हूँ। दोस्तों यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यानी अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि इस साल मैंने कोवैक्सीन ली है, यानी उसकी दोनों डोज मैंने कंप्लीट कर ली, तो क्या नेक्स्ट ईयर में कोई दूसरी वैक्सीन यानी जैसे कोविशील्ड की डोज ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें कोई भी पूछने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी ये जो आपको वैक्सीन दी जा रही है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है। इसका कोई भी वैक्सीन का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को जनरेट किया जाए, और दोस्तों जब तक आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ रहेंगी तब तक आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी, यानी उसको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। तो दोस्तों जब आपको फर्स्ट डोज दी जाती है तो उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ को जनरेट किया जाता है, सेकेंड डोज में उसको बूस्टर मिलता है यानी और पावर मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है 6 मंथ के लिए काम करती है, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 1 ईयर के लिए काम करती है। तो दोस्तों जब तक आपकी बॉडी के अंदर ये रहेगी, यानी जब तक आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ रहेंगी इस वैक्सीन से, तब तक आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। फिर जब इसकी पावर ख़त्म हो जाती है तो दोस्तों उसका मतलब यही है कि अब आपके अंदर ये है ही नहीं वैक्सीन, तो आप दूसरी कोई भी वैक्सीन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, यानी अगर किसी एक पर्सन को दो टाइप की वैक्सीन दे दी जाए, यानी दोनों अलग अलग वैक्सीन दे दी जाए, फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की दे दी जाए, सेकंड डोज कोविशील्ड की दे दी जाए, तो क्या हो सकता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। यानी अगर मैं महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन को फर्स्ट डोज कोवैक्सीन और सेकंड कोविशील्ड की दी गई है, और उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। यानी यहाँ पे उसकी फैमिली का कहना है कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। हाँ कुछ माइनर प्रॉब्लम है, जैसे फीवर, जॉइंट पेन, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिली हैं, यानी वो प्रोसेस अभी चल रहा है। दोस्तों यहीं पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर दोस्तों आप सोच करके देखिए, क्या अगर किसी को बिना स्टडी किए वैक्सीन दे दी जाए तो क्या ये सही होगा? क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं थी जो मिनिमम 5 या 6 साल से पहले मिल चुकी हो, बट दोस्तों ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 1 साल के अंदर कोई भी वैक्सीन को मिला दिया गया। और दोस्तों इसके ऊपर स्टडी करना इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर अभी ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं हुई है कि जिसमें दो वैक्सीन की डोज को दिया जा सके। तो मेरा यही है अभी कि दोनों वैक्सीन की डोज ना लें। आपसे बताना चाहूँ, क्या इंडिया से अलग ऐसी कोई कंट्री है यानी जिसमें डिफरेंट टाइप की पॉलिसी अपनाई गई हो? जी हाँ दोस्तों, यूके और यूके से अलग भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक डिफरेंट टाइप की पॉलिसी को अपनाया है। वो पॉलिसी क्या थी बाद में बताऊँगा। दोस्तों यहीं पर यूके गवर्नमेंट ने मिलकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक रिसर्च की थी, यानी वो रिसर्च क्या थी, उस रिसर्च का एक नाम दिया गया, कॉमकोव दिया गया। दोस्तों उसी रिसर्च की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग में ये चीज़ सामने आई है, जैसे एक वॉलंटियर को डिफरेंट टाइप की डोज दी जाए तो उससे गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट यही ट्राई करना चाहती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, यानी इसका क्या एक कंक्लूजन निकल के आ सकता है। फर्दर टाइम में अगर यहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाती है तो क्या हम दोनों वैक्सीन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? और दोस्तों इसी चीज़ के चलते मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो वहाँ के वॉलंटियर हैं उनको फर्स्ट वैक्सीन दी गई एस्ट्राजेनेका, सेकेंड वहाँ पर वैक्सीन दी गई फाइजर बायो एनटेक। तो दोस्तों अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकला है इस स्टडी के अकॉर्डिंग, यहाँ से देखा गया है कि कोई भी ज़्यादा बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, यानी कुछ माइनर रिएक्शन है जो देखने को मिले हैं, यानी कोई भी डेथ नहीं हुई है। ध्यान से सुनना, कोई भी डेथ नहीं हुई है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। यानी हाँ दोस्तों यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखने को मिले हैं, अगर माइनर रिएक्शन की बात करूँ मैं, यानी कुछ एडवर्स देखने को मिले हैं, जैसे हेडेक हो गया, या जिस साइड पर इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर पेन हो गया, फीवर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, कुछ इस तरीके के छोटे रिएक्शन देखने को मिले हैं, कोई भी डेथ कंसल्ट वाली बात यहाँ पे सामने नहीं आई है। और दोस्तों मैं बता दूँ, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंट यहाँ से देखने को नहीं मिला है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु रिसीव द सेम वैक्सीन, यानी यहाँ से उनके, यानी जिन्होंने सेम वैक्सीन को रिसीव किया उनका, और जिन्होंने डिफरेंट वैक्सीन को यूज़ किया है उनका, यानी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों अगर आपको बताना चाहूँ तो जिन लोगों ने डिफरेंट टाइप की डोज ली थी उनमें सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स हुई है, जो मैंने आपको बताई माइनर प्रॉब्लम, बट दोस्तों जिन्होंने सेम डोज ली थी, यानी एक एस्ट्राजेनेका के लिए फिर दूसरी भी एस्ट्राजेनेका के लिए, तो दोस्तों इन लोगों को प्रॉब्लम हुई कि नहीं? नहीं दोस्तों, इन लोगों में सिर्फ 3% ऐसे लोग थे जिनको प्रॉब्लम देखने को मिली है। ओवरऑल दोस्तों एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है, यानी 7% का ऐसा गैप है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोस्तों अब देख लेते हैं यंग जनरेशन या पॉपुलेशन। दोस्तों उससे अलग अब यंग पॉपुलेशन को भी देख लेते हैं, यानी यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट
कुछ रिसर्चर का कहना है कि यानी जो यहाँ पे ये यंग जनरेशन है मे भी हो सकता है उनके अंदर ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिले दो डिफरेंट टाइप के डोज देने से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 60 और 60 अबव से जो ज़्यादा लोग हैं उनके अंदर उतना कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए कुछ एक्सपर्ट कहते हैं हो सकता है यंग जनरेशन के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा हो। तो दोस्तों यहीं से एक ओवर एक क्वेश्चन उठता है कि सर आप ये बता दीजिए सेफ़ है या नहीं है वैक्सीन को लेना इस तरीके से। तो ओवरऑल दोस्तों मैं आपको बता दूँ डेथ सेफ्टी का या फिर कुछ सेफ्टी की बात तो यहाँ पे कंसर्न नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पिछली बारी से भी कि कोई भी डेथ का एविडेंस नहीं मिला है या फिर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। हाँ इतना जरूर देखने को मिला है कि अगर दो डिफरेंट टाइप की डोज ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, कोई सिंगल टाइप की डोज ले रहे हैं यानी सेम टाइप की डोज ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी कम देखने को मिली है। यानी इतना हो सकता है दोस्तों अगर आप डिफरेंट टाइप की दो डोज ले रहे हो, यानी जहाँ आप 3 दिन की ले रहे थे वहाँ पर आप 6 दिन की लेके छुट्टी कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। यूके गवर्नमेंट प्लान, इन सब से अलग अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो यूके ने फरवरी में ही प्लान कर लिया था, यानी इनफैक्ट जनवरी में इसने बोल दिया था कि अगर हम लोगों के यहाँ पे किसी वैक्सीन की किसी डोज की शॉर्टेज हो जाती है तो हम डिफरेंट टाइप की डोज अपनी पॉपुलेशन को देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों वहाँ पे एक स्टडी तो हो चुकी है, यानी कॉमकोव जो मैंने बताया आपको वो स्टडी हो चुकी है, अब कॉमकोव 2 वहाँ पे स्टडी चल रही है, यानी जिससे हम लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों साइड में देख लेते हैं फ्रांस। दोस्तों अब अगर मैं फ्रांस की बात करना चाहूँ यहाँ पे फ्रांस में भी ऐसी डिफरेंट टाइप की पॉलिसी को अपनाया गया है, यानी जिसके अंदर अलग अलग डोज दी जा रही है। सबसे पहले वहाँ पे एस्ट्राजेनिका की डोज दी जा रही थी, फिर वहाँ पे एस्ट्राजेनिका को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब दोस्तों वहाँ पर फाइजर बायो एनटेक की डोज को दिया जा रहा है। यानी सभी कंट्रीज़ ने अलग अलग स्टडी की है अपनी अपनी पॉपुलेशन के लिए, पर दोस्तों इंडिया ने ही अपनी यहाँ पर कोई स्टडी नहीं की है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है अभी तक जिससे हमारे कंट्री के जो लोग हैं उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन है वो दी जा सके। तो दोस्तों यहाँ के तो हेल्थ मिनिस्टर का भी यही कहना होता है हमेशा से कि गोबर और गौमूत्र के ऊपर रिसर्च करेंगे, वो बताते हैं उनकी खास बात बताते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक सेफ्टी यहाँ पे इशू हो जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ जाए कि जैसे वहाँ की पॉपुलेशन को अलग अलग वैक्सीन दी जा रही है तो यहाँ को भी दे सकते हैं, दोस्तों ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन का अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए अलग अलग कॉम्प्लिकेशन में ही वैक्सीन को दिया जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और एजुकेशनल मोटिवेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ। इसके लिए आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।